नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं इन खबर और वी वोमेन वॉन्ट में जो शख्सियत आज हमारे साथ है हिमानी शिवपुरी जी, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बॉलीवुड में 90 के दशकों से जो हिट मूवी, जो सबसे बड़ी हिट मूवी में इनका रोल है, इनके करियर के बारे में आज इनसे कुछ जाने। मैम, आपने कहाँ से शुरुआत किया और कैसे इस मुकाम पे आप? मैंने देहरादून, जहाँ ये फंक्शन हो रहा है, वहाँ से अपने मैं यहीं पैदा हुई, बड़ी हुई। यहाँ मैंने नाटकों में भाग लेना शुरू किया, जिसमें मुझे एक्टिंग का शौक़ जागा। फिर मैं अपने एक्टिंग को तलाशने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गई, NSD में मैं 3 साल, उसके बाद NSD रेपर्ट्री में रही और फिर उसके बाद मैंने टेलीविज़न और फिल्मों में अपना काम, मेरा पहला सीरियल था देवकी भौजाई, जिसमें हमराही था, मेरा किरदार था देवकी भौजाई, जो कि बहुत पॉपुलर हो गया और पहली कमर्शियल हिट फिल्म थी हम आपके हैं कौन। और फिर उसके बाद दिलवाले और फिर कुछ कुछ होता है, परदेस, BV No. 1 और मैं प्रेम की दीवानी हूँ एट्सेट्रा। 200 से ऊपर फिल्मों में काम किया है और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक, मैं 90s के दशक से शुरू किया था, अभी तक मैं काम कर रही हूँ। आप लोगों का, दर्शकों का प्यार है और देवभूमि का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। मैम, कुछ ऐतिहासिक फिल्में जैसे अब आएगा मज़ा, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, दिल वाले, दुल्हनियाँ ले जाएंगे, ये सिर्फ ना इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में ये फिल्में इतने फेमस हैं और ये वर्ल्ड लेवल की मूवियाँ हैं जो इतनी बड़ी सुपरहिट रही हैं। इन सब मूवियों को करने के बाद आप भारतीय महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप भी ये मुकाम हासिल करते? वैसे तो आपके लेवल का मुकाम हासिल करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ के महिलाओं से आप? ज़रूर कहना चाहूँगी कि पहाड़ी महिलाओं में बहुत शक्ति होती है, कॉन्फिडेंस। हम महिलाओं ने चिपको आंदोलन करा है, शराबबंदी किया है और भी बहुत सा किया। बजेंद्री पाल भी यहीं से पैदा हुई और मैं भी हिमानी भट्ट शिवपुरी सी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में अदम में इच्छा है किसी भी चीज़ को पाने की, तो फिर पूरी कायनात जुट जाती है और आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपको पेशेंस चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्लैमर की दुनिया सिर्फ चकाचौंध नहीं है। नाम और पैसा, शोहरत है, लेकिन उसके अलावा हार्डवर्क है, पेशेंस है। और अगर आप तैयार हैं हार्डवर्क करने के लिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुंबई ऐसी जगह है कि टैलेंट की कद्र होती है। क्योंकि मैं भी जब मुंबई गई थी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी, कोई गॉडफादर नहीं था, मैं तो पहाड़ से निकली थी उस टाइम पर। और मैंने अपनी टैलेंट के ज़रिए काम हासिल किया और मुझे मिला और फिर मिलता गया। मैम, बॉलीवुड में हमेशा नेपोटिज्म की बात की जाती है, लेकिन जब हम आप जैसे कलाकार को देखते हैं, जो एक 90 के दशक से आप NSD की भी छात्रा रह चुकी हैं, तो वहाँ से जो आपने स्ट्रगल किया और आज जो इस मुकाम पे हैं? स्ट्रगल तो होता है, कोई भी कलाकार स्ट्रगल के दौर से गुजरता ही है। वो कितना ही ऊँचा कलाकार, वो सब ने स्ट्रगल किया है। और स्ट्रगल आपको, और जो कहते हैं ना, सोना तप कर सोना बनता है, और डायमंड भी जो उसको तराशा जाता है तभी वो हीरा बनता है। और वो तो है ही है कि रंग देती है ना पत्थर पे घिसने के बाद। वही है कि मेहनत करने का फल हमेशा से आपको ज़रूर मिलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। और नेपोटिज्म तो होता ही है, किस फील्ड में नहीं होता। आप किसी मिठाई की दुकान पर जाइए, उसमें क्या लिखा होता है, कुमार एंड सन्स, मैं ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो पड़ोसी का नाम तो नहीं लिखता। लेकिन इनर सर्कल में ब्रेक करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ये बहुत सारे लोगों ने प्रूव किया है। मैं तो बहुत छोटी हूँ, आप शाहरुख खान को ले लीजिए, मिस्टर बच्चन को ले लीजिए, अक्षय कुमार को ले लीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आप फिल्म फैमिली से ना हो तो आप सक्सीड नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। राइट फ्रॉम मिस्टर बच्चन टू शाहरुख खान टू हिमानी शिवपुरी, वी ऑल स्ट्रगल्ड, लेकिन अपने हमें कॉन्फिडेंस था अपने टैलेंट पे, वी वर प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। और अगर आप तैयार हैं ये सब हार्ड वर्क करने के लिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद मैम, थैंक यू।